तो देखिए आज हम इसमें आपको हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? हाइट टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जब हम एच हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो उस कंडीशन में इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, कितनी हाइट तक बॉडी जाएगी और रेंज क्या होगी। तो सबसे पहला केस हम ले रहे हैं जब बॉडी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं। कैसे प्रोजेक्ट करते हैं? हॉरिजॉन्टल। तो जब हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करेंगे तो यहां पर थीटा 0 डिग्री होगा। तो इस केस में सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम वाई कंपोनेंट लेंगे। वाई कंपोनेंट, तो यहां पर वर्टिकल में जो वेलोसिटी होगी यू की वैल्यू 0 होगी, ये ओ पॉइंट है, और एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड लगेगा, और ये एच हाइट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये हम यहां पर कोई ए पॉइंट लिए लेते और ये हमने बी ले लिया और ये सी पॉइंट होगा। तो बॉडी ए ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक आएगी। तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन मानेंगे, ये हम अपवर्ड साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लिए लेते हैं। किधर ले रहे हैं? अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे। तो जो अपवर्ड पॉजिटिव लेंगे तो यहां पर जो डाउनवर्ड वैल्यू होंगी उनको हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यू की वैल्यू जो होगी 0 होगी, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी और डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस एच। जी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, हमने अपवर्ड पॉजिटिव लिया तो एस की वैल्यू माइनस एच होगी। और यहां पर हमको टी इक्वल टू टी एफ ये फाइंड करना है। तो इसमें हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, बाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू माइनस एच, यू की वैल्यू 0, हाफ जी इंटू टी एफ स्क्वायर। इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मिनट, ये माइनस होगा, एक्सीलेशन ए की वैल्यू माइनस जी है तो यहां माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और जी को डिवाइड कर देंगे तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h/g। तो जब हम h हाइट से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उस कंडीशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है वो अंडर रूट 2h/g के इक्वल होती है। अब यहां पर रेंज कितनी होगी? तो रेंज के लिए हम यहां पर एक्स कंपोनेंट लेंगे, रेंज। तो इसके लिए हम लेंगे एक्स कंपोनेंट। तो यहां पर एक्स कंपोनेंट लेते हैं, ये एक्स कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमने वेलोसिटी ली थी ये वेलोसिटी है यू, तो ये हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी होगी। एक्सीलेशन हॉरिजॉन्टल में 0 होगा क्योंकि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड लगता है। और यहां पर ये इसकी रेंज हो जाएगी आर, ये सी पॉइंट है, और टी की वैल्यू हम निकाल चुके, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g होगी। अब यहां पर हम हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहां से यू इज इक्वल टू यू होगा ए की वैल्यू जी, एस इज इक्वल टू आर, और टी की वैल्यू टी एफ के इक्वल होगी। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम वैल्यू पुट करेंगे, एस के वैल्यू हम आर लिखेंगे और ये यू की जगह पर यू टी की वैल्यू टी एफ यानी अंडर रूट 2h/g। तो ये रेंज की वैल्यू आ गई, आर इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h/g, ये रेंज होती है। जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो रेंज आती है यू अंडर रूट 2h/g के इक्वल होती है। अब इसके बाद जो हम थीटा एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे एच हाइट से तो उस कंडीशन में रेंज कितनी आएगी वो हम फाइंड करेंगे।
तो देखिए यहां पर हम ये एच हाइट से बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, यहां पे हम बॉडी को ये थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे, ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पर जब थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हम जी डाउनवर्ड ले लेते, इसे ए पॉइंट ले लेते, बी और ये सी डी। इसके कंपोनेंट करेंगे, ये यू कॉस थीटा हो जाएगा, वर्टिकल में ये यू साइन थीटा। तो सबसे पहले यहां पर हम थीटा की टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे वाई कंपोनेंट पे, क्या फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। तो देखिए वाई कंपोनेंट हम लेते हैं यहां पर, ये जिस पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ये यू साइन थीटा होगा, मैक्सिमम हाइट तक बॉडी जाएगी ए वाई और फिर ये वापस नीचे बॉटम पे पहुंचेगी सी पॉइंट पे, एच हाइट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जी जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। साइन कन्वेंशन हम अपनी मर्जी से पोज टू मान सकते हैं अपवर्ड, तो इसके अकॉर्डिंग बॉडी ओ से ए वाई जाएगी, ए वाई से ओ जाएगी और वापस फिर सी पॉइंट पे पहुंचेगी। तो यहां पर साइन कन्वेंशन हमने अपवर्ड पोज टू लिया है, तो यहां से यू की वैल्यू यू साइन थीटा होगी, ए की वैल्यू माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो माइनस एच होगा। टी की वैल्यू टी एफ ई हमको फाइंड करनी है। अब यहां पे हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन लगाएंगे, बाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू माइनस एच, यू की वैल्यू यू साइन थीटा इंटू टी एफ माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का टू एच, ये टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ माइनस जी इंटू टी एफ स्क्वायर। अब इसको हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आ जाएगी जी इंटू टी एफ स्क्वायर माइनस टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो। इसको यदि अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, तो ए की वैल्यू होगी जी, बी की वैल्यू माइनस टू यू साइन थीटा और सी की वैल्यू माइनस टू एच। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट जो श्रीधराचार्य का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, उससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू लिख लेंगे माइनस बी, तो माइनस इंटू माइनस टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे तो टू यू साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस फोर ए की वैल्यू जी और सी की वैल्यू माइनस टू एच डिवाइडेड बाई टू जी, टू ए होती है ए की वैल्यू जी, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें से फोर कॉमन ले लीजिए तो ये टू यू साइन थीटा, टाइम नेगेटिव नहीं होता है तो ये हम माइनस यहां से रिमूव कर देंगे और यहां से फोर कॉमन लेंगे जब, तो रूट के बाहर आ जाएगा टू और यहां पर बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
और यहां पर बचेगा 2gh डिवाइडेड बाई 2g, यहां पर 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी, tf की वैल्यू u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आती है जब हम h हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे थीटा एंगल पे। हाइट कितनी आएगी, तो देखिए हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट यदि अगर हम देखें यहां पर, तो ये बॉडी को हमने ग्राउंड से h हाइट से प्रोजेक्ट किया है, ये हाइट कितनी है h, तो h हाइट से जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये स्मॉल h हम फाइंड कर सकते हैं लेवल टू लेवल, ग्राउंड टू ग्राउंड और लेवल टू लेवल के लिए h की जो वैल्यू होती है ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g होती है। इसका हमने डेरिवेशन पहले कराया था, तो टोटल हाइट जो आएगी हो जाएगी कैपिटल H प्लस स्मॉल H के इक्वल, और ये कैपिटल H है स्मॉल H की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2G के इक्वल, ये टोटल हाइट आएगी। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे रेंज, तो रेंज के लिए हम X कंपोनेंट लेंगे, रेंज x कंपोनेंट लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना होगा जीरो, और ये t की वैल्यू tf के इक्वल आई, जो ये वैल्यू आई उसी को यहां पर पुट करना है। ओके तो यहां पर देखिए u की वैल्यू होगी u cos थीटा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिए लेते हैं, u की वैल्यू हो जाएगी u cos थीटा के इक्वल, a की वैल्यू जीरो, यहां पर इंटरवल हम लेंगे o d, डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू r की होगा, t इज इक्वल टू tf, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो इसमें जो इक्वेशन लगेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पुट कर दीजिए, u की वैल्यू u cos थीटा और t की वैल्यू tf, tf की वैल्यू पुट कर देते हैं u sin थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू है, ये आर रेंज आ गई। तो ये एच हाइट से जो हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये रेंज आती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये आएगी यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई स्मॉल जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा और ये हाइट आ जाएगी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच यानी कैपिटल एच प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यहां पे हमने एच हाइट से बॉडी को थीटा एंगल इंक्लाइंड फेंका था, जब डाउनवर्ड थीटा एंगल पे इस तरह से प्रोजेक्ट करेंगे बॉडी को तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट और रेंज क्या होगी उसको और फाइंड कर लेते हैं। यहां पे हम डाउनवर्ड इस तरह से थीटा एंगल पे बॉडी को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये रेंज हम यहां पर फाइंड करेंगे, हाइट कैपिटल एच हाइट से यहां पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा और रेंज क्या होगी, ये जी डाउनवर्ड लगेगा, u वेलोसिटी से ये थीटा एंगल पे यहां पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया, ये u cos थीटा होगा
और इस डायरेक्शन में ये u साइन थीटा होगा। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, y कंपोनेंट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम y कंपोनेंट लेंगे, लीजिए ये जिस पॉइंट से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया, y कंपोनेंट में इसकी वेलोसिटी u sin थीटा थी, एक्सीलेशन g डाउनवर्ड होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, ये h होगा, ये y है। तो यहां पर हम चाहे अपवर्ड पॉजिटिव ले या डाउनवर्ड, तो हम अपवर्ड ही पॉजिटिव लिए लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो u की वैल्यू होगी, ये पॉइंट O A B, तो O B इंटरवल लेंगे, यहां पर U की वैल्यू माइनस U साइन थीटा हो जाएगी। देखिए अपवर्ड पॉजिटिव लिया है, U साइन थीटा डाउनवर्ड है, तो U की वैल्यू माइनस U साइन थीटा होगी, A की वैल्यू जो होगी माइनस G होगी, बॉडी का एक्सीलेशन जो होगा, एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G डाउनवर्ड लगेगा, तो ये ए की वैल्यू माइनस जी होगी, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डाउनवर्ड है, एस की वैल्यू माइनस एच होगी, और टी की वैल्यू, ये टी एफ हमको फाइंड करना है। तो बाई इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस की वैल्यू माइनस एच, यू की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी एफ माइनस हाफ जी इंटू टी एफ स्क्वायर। टू से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे टू से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस टू एच इज इक्वल टू माइनस टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ माइनस जी टी एफ स्क्वायर की हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर करिए, तो ये जी इंटू टी एफ स्क्वायर प्लस टू यू साइन थीटा इंटू टी एफ, और ये माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो। इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करके यहां पर ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस बी जब लेंगे तो माइनस बी की वैल्यू पॉजिटिव है टू यू साइन थीटा, तो यहां पर माइनस फार्मूले में आता, बी की वैल्यू पुट करेंगे टू यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करेंगे, तो टू यू साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, फोर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए की वैल्यू जी और सी की वैल्यू माइनस, सॉरी टू नहीं फोर होगा, फोर ए सी होगा, फोर ए की वैल्यू जी और सी की वैल्यू माइनस टू एच, और डिवाइडेड बाई टू ए करेंगे तो टू जी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये माइनस साइन रिमूव करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट को हम निगेटिव नहीं लेते हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस टू यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट, यहां से फोर कॉमन ले लीजिए तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, टू, और यहां पर बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच डिवाइडेड बाई टू जी, और टू कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आएगी माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच डिवाइडेड बाई जी के इक्वल, ये जी टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी। हाइट अब यहां पर डाउनवर्ड हमने थीटा एंगल पे फेंका है डिक्लाइन,
तो यहां पर इस कंडीशन में बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो कैपिटल एच के इक्वल रहेगी, मैक्सिमम हाइट ये कैपिटल एच के इक्वल रहेगी। और रेंज फाइंड करने के लिए हम एक्स कंपोनेंट लेंगे, रेंज तो रेंज के लिए एक्स कंपोनेंट लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू कॉस थीटा होगा, एक्सीलेशन जीरो, और ये रेंज की वैल्यू होगी टी की वैल्यू, ये टी एफ है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहां पर यू की वैल्यू यू कॉस थीटा, ए की वैल्यू जीरो, टी की वैल्यू टी एफ जो हमने फाइंड की उससे पुट करेंगे। तो यहां पर ये हमने जो भी पॉइंट लिया था, क्या लिया था, ए बी सी डी, ए लिया है तो ए ले लीजिए। तो यहां पर ओ ए इंटरवल लेंगे हम, ये u की वैल्यू u cos थीटा, a की वैल्यू जीरो, s इज इक्वल टू r और t इज इक्वल टू टी एफ यहां पर हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की वैल्यू यू cos थीटा इंटू टी की वैल्यू माइनस u साइन थीटा प्लस अंडर रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई थी, और एक्सीलेशन जीरो है तो ये रेंज आ जाएगी। जब हम h हाइट से डाउनवर्ड डिक्लाइन थीटा एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये रेंज आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू माइनस यू साइन थीटा प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh डिवाइडेड बाई g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगी और हाइट कैपिटल h के इक्वल रहेगी। तो यहां पर ये जो हम h हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में रेंज आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तीन केस होते हैं जब हम बॉडी को एच हाइट से प्रोजेक्ट करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज के लिए। ओके, अब जब हम ग्राउंड से बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे और ग्राउंड से एच हाइट पे बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे और हाइट टू ग्राउंड, देखिए तीन केस बनते हैं, पहले समझ लीजिए ग्राउंड टू ग्राउंड, दूसरा ग्राउंड टू हाइट और तीसरा हाइट टू ग्राउंड। तो तीनों केस में हम मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे। तो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए रेंज का हमने फार्मूला फाइंड किया था, अब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी वो देख लीजिए। ओके, मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें रेंज का जो फार्मूला है, R इज इक्वल टू ग्राउंड के लिए हम सबसे पहले देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड। तो ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए जो रेंज का फार्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये रेंज का फार्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब रेंज हमको मैक्सिमम चाहिए, कैसी चाहिए, मैक्सिमम। तो फॉर आर मैक्स, आर इज इक्वल टू आर मैक्स चाहिए, तो यू और जी को हम चेंज नहीं कर सकते, किसको चेंज कर सकते हैं, साइन टू थीटा को। तो यहां से साइन टू थीटा जो होगा ये मैक्सिमम होगा, और साइन थीटा है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, वन। कब होती है मैक्सिमम वैल्यू वन, तो साइन टू थीटा में ये साइन 90 डिग्री की वैल्यू वन होगी, टू थीटा हो जाएगा 90 डिग्री के इक्वल। तो यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आता है वो 45 डिग्री आता है, यानी किसी बॉडी को अगर हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज की जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी,
और वो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, यहाँ पर साइन टू थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए तो ये आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी के इक्वल। तो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे जो रेंज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है जब हम ग्राउंड से बॉडी को प्रोजेक्ट करें और ग्राउंड पे ही बॉडी गिरे, या एच हाइट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करें तो एच हाइट पे डिगर गिरती है, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर बाई जी होती है, और एंगल जो प्रोजेक्शन का होता है वो कितना होता है 45 डिग्री। ओके कर देंगे।